गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर EBS क्लास। टुडे इन EBS क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेसन एयर। सो चिल्ड्रन, वी विल लर्न इन दिस लेसन अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड यूजेज ऑफ एयर। ओके चिल्ड्रन, एयर, वी कैन फाइंड एयर एवरीवेयर। सी इन दिस पिक्चर, एयर इज फाउंड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड ऑल अराउंड अस। सी, इट इज अवर अर्थ एंड वी कैन फाइंड एयर इन इट्स एटमॉस्फेयर एंड इट इज ऑल अराउंड अस, बट वी कांट सी एयर। एयर हैज डिफरेंट गैसेस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। इट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो एयर इज द मिक्सचर ऑफ दीज गैसेस। और सी इट्स कंपोजिशन, ये देखिए 78% नाइट्रोजन, एयर कंटेन्स 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द एयर, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। नाउ सी इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, एयर की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। एयर इज ऑल अराउंड अस, एयर हमारे सब चारों तरफ होती है। वी नीड एयर टू लिव, वी कांट लिव विदाउट एयर, एयर के बिना हम नहीं रह सकते हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड इवन प्लांट्स नीड एयर टू लिव, सबको रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए एयर की जरूरत होती है। वी ऑल नीड एयर टू लिव, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, वी कांट लिव विदाउट एयर। अंडरस्टूड? नाउ चिल्ड्रन, वी विल सी, सी इन दिस पिक्चर ऑल लिविंग नीड एयर टू ब्रीथ। सी एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये भी एनिमल है, डॉग, तो दीज ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, सबको एयर की जरूरत होती है। एंड वी कैन, वी नीड एयर फॉर ब्रीदिंग, ये देखिए वी टेक ऑक्सीजन एंड वी टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग ब्रीदिंग। एंड सी फिश ऑल्सो ब्रीद, है ना, ये देख रहे हैं ना, ये भी बबल्स निकाल रही है, इट मीन्स ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रही है। सो वी नीड एयर फॉर ब्रीदिंग। नाउ प्लांट्स नीड एयर टू मेक फूड। प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड, देयर लीव्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे मेक फूड। सो दे नीड एयर टू मेक फूड ऑल्सो एंड फॉर ब्रीदिंग ऑल्सो, ब्रीदिंग के लिए भी चाहिए, ब्रीदिंग के लिए दे नीड ऑक्सीजन एंड फॉर मेकिंग फूड दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ चिल्ड्रन, सी प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर हैज सम स्पेशल प्रॉपर्टीज, वी कैन नॉट सी एयर, हमें कहीं एयर दिखाई देती है, कहीं दिखाई नहीं देती है, सॉरी, वी कैन नॉट स्मेल एयर, क्या हमें एयर की स्मेल आती है, नो, सॉरी बेटा, वी कांट स्मेल एयर, कोई स्मेल ही नहीं होती है, नहीं तो हम जान जाते हैं ना यहाँ पर एयर है। वी कैन नॉट टेस्ट एयर,
एयर का कोई टेस्ट भी नहीं होता है. वी कैन जस्ट फील एयर, ओनली वी कैन फील एयर कि यहाँ पर एयर है, बस ओनली वी कैन फील, है ना. व्हेन वी फील वार्म देन व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं, हैंड फैन यूज करते हैं टू ब्लो एयर. सो वी कैन फील. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. नाउ चिल्ड्रन सी सम मोर प्रॉपर्टीज. एयर फिल अप स्पेस, एयर जो है स्पेस लेती है, ऑक्यूपाई स्पेस. ये देखिए टायर में, व्हेन वी फिल एयर इट विल टेक इट्स स्पेस, एंटायर स्पेस. एंड सी हियर इन पूल रिंग, स्विमिंग पूल में जब बच्चे जाते हैं ना, तो सम चिल्ड्रन यूज दिस वाटर ट्यूब, सॉरी रबर ट्यूब फॉर स्विमिंग. तो वी फिल एयर इन दिस रिंग, सो इट बिकम्स लाइट एंड इट कैन फ्लो इट ऑन वाटर. एंड एयर चेयर, व्हेन वी फिल एयर इन दिस चेयर इट बिकम लाइक दिस, इट टेक्स द शेप ऑफ दिस चेयर. सो दिस थिंग शोज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. नाउ सम मोर प्रॉपर्टीज वी कैन शो दिस ऑल्सो. यस सी, दिस इज अ ट्यूब विच डोंट हैव एयर एंड दिस इज अ ट्यूब विच हैज एयर. इसमें क्या है, एयर भर दी है, तो इसका शेप कैसा हो गया, ऐसा हो गया. इट मीन्स पहले तो ये ट्यूब फ्लैट था, बाद में ये राउंड हो गया इस तरह से. इट मीन्स एयर टेक स्पेस, एयर जो है स्पेस लेती है. नाउ एयर हैज वेट. यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट. यू कैन टेक वन स्टिक, टू बलून्स एंड टाई इट विद थ्रेड ऑन ईच साइड एंड टाई वन थ्रेड इन द मिडल एंड देन व्हेन यू वेट इट विल इट स्टिक इज स्ट्रेट. दैट मीन्स इट इज बैलेंस. बोथ बैलून्स हैव सेम वेट, बोथ बैलून्स हैव सेम वेट. बट व्हेन वी प्रिक वन बैलून, अगर हमने एक बलून को प्रिक कर दिया, प्रिक जानते हो छेद कर देना निडल से, तो क्या होगा, इट विल बी बर्स्ट, ये फूट जाएगा और इसकी एयर बाहर आ जाएगी. फिर देखिए क्या होता है, इट विल लुक्स लाइक दिस. सी ये इसकी बर्स्ट हो गया, इसकी एयर बाहर निकल गई एंड इट विल बिकम, इट हैज बिकम फ्लैटन एंड दिस हैज एयर एंड दिस बलून हैज एयर. सो वॉट विल यू सी दिस स्टिक, दिस साइड ऑफ स्टिक गो डाउन. कैन यू टेल मी वाई, बिकॉज दिस बैलून हैज एयर एंड दिस बैलून डजंट हैव एयर. सो दिस स्टिक, दिस साइड ऑफ स्टिक goes down because the balloon has air, it shows it has some weight. इसका कुछ वेट है तभी तो ये स्टिक नीचे हो गई. इट इज हैवियर एंड इट इज लाइटर. ओके, तो यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एट होम एंड सी वन मोर एग्जाम्पल. दिस इज अ टायर, इट डजंट हैव एयर, इसमें एयर नहीं है. एंड व्हेन वी फिल एयर देन इट बिकम लाइक दिस एंड व्हेन वी वेट इट शोज दिस वेट. एंड इसमें क्या वेट दिखा रहा था, ये देखिए जब हमने हवा नहीं भरी थी तो इसका वेट इतना था, आफ्टर फिलिंग द एयर इसका वेट इतना हो गया. इट मीन्स हमारा वेट, इसका वेट बढ़ गया ना, इट शोज एयर हैज वेट.
It shows air has weight. Next, air gives shape to things. Air जो है चीज़ों को shape देती है. See here, when we take this type of balloon and when we blow air in it, then it will take shape of this type, oval shape, like this. And when we blow air in these type of balloon which have shape of heart, then when we blow air in it, it will take shape of this heart. What does it show? Yes, it shows air gives shape to things. हम जिस तरह के जो कोई चीज़ होगी इसका शेप होगा, जब उसमें एयर ब्लो करेंगे वो उसका शेप ले लेगा. नाउ यूजेज ऑफ एयर. आई होप हैव यू अंडरस्टूड द प्रॉपर्टीज. नाउ लेट अस लर्न यूजेज ऑफ एयर. सो चिल्ड्रन, सी इन दिस पिक्चर यूजेज ऑफ एयर. We use air in different ways. In this picture, what will you see? We need air for breathing. हम किस लिए air use कर रहे हैं? Breathing purpose के लिए. And this one, fish breathe through their gills in water. Fish भी breathing करती हैं. तो फिश किससे ब्रीथ करती हैं? थ्रू देयर गिल्स. फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स इन वाटर. वाटर में जो एयर ऑक्सीजन होती है ये इसको ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं. एंड दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज. नाउ नेक्स्ट, एयर इज फिल्ड इन फुटबॉल्स, साइकिल टायर्स एंड स्विमिंग ट्यूब्स. We feel air in football, in cycle tire, in swimming tube. So we use air in these. Okay. Air is also needed for burning. जब हमें कोई आग जलानी होगी तब भी हमको एयर की जरूरत होती है. Because oxygen helps in burning. Understood? Now see some more. Yes, we need air to breathe. See in this picture, we take oxygen for breathing and we take out carbon dioxide, okay, during breathing. And fish also take oxygen present in the water and they breathe through their gills. Next, we fill air in tire of our vehicles. ये देखिए कार के टायर में हवा भरी जाती है ना. Yes, अगर हम इसमें हवा नहीं भरेंगे तो we can't move our car. So we use air to fill in tires of different vehicles. We need air to to fill football. If you don't fill air in football, then you can't play. And we fill air in swimming tube. When we fill air, then we can swim in water with the help of this air tube. Understood? Now see, air helps in burning. ये देख रहे हैं ना, ये फायर है, जो वुड है, लकड़ी है, जब आग पकड़ेगी कैसे पकड़ेगी? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. वी नीड ऑक्सीजन फॉर बर्निंग. तो दीज आर द डिफरेंट यूजेस. वी कैन डू वन मोर एक्सपेरिमेंट टू शो दिस कि बर्निंग एयर हेल्प्स इन बर्निंग. वी टेक टू कैंडल्स एंड लाइट इट. देन
वी टेक वन ग्लास एंड कवर वन कैंडल विद दिस ग्लास एंड आफ्टर सम टाइम वॉट विल बी ऑब्जर्व लेट सी सी हियर दिस कैंडल इज बर्निंग बिकॉज वी डिडंट कवर इट विद ग्लास एंड दिस कैंडल इज पुट ऑफ. ये क्या हो गई, बुझ गई, है ना. क्यों, बिकॉज आई कवर दिस कैंडल विद दिस ग्लास एंड द एयर प्रेजेंट इन इट इज यूज फॉर बर्निंग. व्हेन इट बिकेम फिनिश्ड देन आवर कैंडल पुट ऑफ, हमारी कैंडल बुझ गई बिकॉज इसको नीचे से एयर ही नहीं मिली तो कैसे वो जलती. सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज कि वी नीड एयर फॉर बर्निंग. अंडरस्टूड, यू कैन डू इट एट होम इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑफ योर पेरेंट्स. ओके बेटा, नाउ वी कैन यूज एयर टू ब्लो बैलून व्हेन वी When we blow air, then we can make a balloon like this shape. So we need air to blow balloons. And see this game. You do it sometime, na? Yes. This is a straw and you use soap dissolve in water and you dip this straw in that water and then blow from your mouth, then what will you find? You find bubbles come out from this ring. जो रिंग बनी हुई ना, इससे बबल्स बन के आ जाते हैं. तो व्हाट आर दीज, दीज आर द बबल्स ऑफ एयर. दीज आर द बबल्स ऑफ एयर. ओके, नाउ वी कैन यूज वाटर टू ब्लो थ्रू दिस पाइप. ये देख रहे हैं ना, इन विलेजेस गांव में क्या होता है, इस तरह के चूल्हे होते हैं ना बेटा. ये when ladies put fire and sometime it's put off, then what they do, they blow air from their mouth through this pipe and it starts burning. Understood? So we can use air for it also, for fire, for burning. Now next, see, we use air for this hot balloons to sail in the air. These hot balloons are sailing in the air due to this. Now, wind, can you tell me what is wind? Let us see. The moving air is called wind. When air moves, then we call it wind. So we can say the moving air is called wind. So we can say moving air is called wind. Understood? Now there are some uses of this wind. Wind helps a kite fly. Wind helps a boat sail. Wind helps clothes dry faster. Wind turns the blades of
windmill. In this way, we can use wind. Now see, a gentle wind is called breeze. When wind is calm, slow, then we can say it breeze. So, a gentle wind is called breeze. And when it becomes strong, when wind blowing strongly with a lot of force, then we call it storm. Wind blowing strongly with a lot of force called storm. It's called storm. See, when there is a storm, then leaves of these trees move like this. And sometimes some trees uproot bhi ho jate hain. Kuch trees jo hain like this. Storms can uproot some trees, big trees also. जब आंधी आती है तो क्या होता है, बड़े बड़े पेड़ इस तरह से गिर जाते हैं ना बेटा. सो स्टॉर्म्स कैन अप्रूव बिग ट्रीज ऑल्सो. नाउ यूजेस ऑफ विंड, सी ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन शॉर्ट. नाउ सी द पिक्चर. वी कैन यूज विंड टू फ्लाई काइट्स. वी कैन विन इन पैराशूट एंड पैराग्लाइडिंग. वी कैन यूज विंड for windmill. So these are the different uses of wind. And wind energy is used to produce electricity, or this wind energy is used to produce electricity. इससे बिजली भी बना लेते हैं. Now sometime when wind is blowing, then pollen and light seeds of flowers and fruits are carried to different places. कभी कभी आपने देखा होगा जब बहुत हवा चलती है तो कुछ seeds और pollen grains जो होते हैं ना flowers में, वो सब उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, है ना. So और फिर वहाँ पे ये seeds migrate कर हो जाते हैं, migration हो जाता है इनका, फिर वहाँ पे germinate हो जाते हैं. तो ये आप आगे ही क्लासेस में पढ़ेंगे. अभी बस आप इतना ही समझिए कि पोलेंस एंड लाइट सीड्स ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर कैरी टू डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू हैवी विंड्स. ओके, नाउ चिल्ड्रन, दिस इज योर लेसन फॉर टुडे. यू हैव टू लर्न इट. वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेसन. And I will give you some question answers and exercises. Then you will do it. Okay, beta. Take care. Bye-bye.